हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक। तो अगर आप नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी टेक रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉयड की किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी गेम को कैसे खेल सकते हैं और अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर टाइप कीजिए एंड्रॉयड। जैसे ही आप एंड्रॉयड टाइप करेंगे और एंटर पे सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला लिंक है। उस पहले लिंक में जाइए, पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहां डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और एड शो होगा, इसे स्किप कर दीजिए। और जैसे ही आप इसे स्किप करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद उसकी लोकेशन में जाइए और उसे इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के लिए उसे डबल क्लिक कीजिए और उसे रन कर दीजिए। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, पर आप उसे डिक्लाइन कर दीजिए। और जैसे ही आप उसे डिक्लाइन करेंगे तो आपका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसे इंस्टॉल होने में 5 से 10 मिनट लगती है, तो इसे इंस्टॉल होने दीजिए। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी कि ये अपनी इंस्टॉलेशन को ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कंटिन्यू रखेगा। तो आपकी स्क्रीन में कुछ नहीं होगा, पर स्क्रीन के पीछे बैकग्राउंड में ये इंस्टॉलेशन इसका प्रोसेस चलता रहेगा। ये चल सकता है 5 से 10 मिनट तक। तो आप पेशेंट रखिए और इसे इंस्टॉल होने दीजिए। जैसे इंस्टॉल होगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद इसका लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसे भी लोड होने दीजिए। आप देखें कि आपका एंड्रॉयड तैयार है। आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी एंड्रॉयड टैब या एंड्रॉयड फोन में करते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है, नीचे की तरफ आपको मिलता है लोकेशन के लिए ऑप्शन, गेम्स के लिए बटन और बैक होम और हिस्ट्री क्लियर करने के लिए ऑप्शन। मेन्यू का बटन मिलता है स्क्रीन रोटेशन के लिए और स्क्रीन को छोटी या फिर बड़ी करने के लिए। इसमें आपको एंड्रॉयड की तरह सेम टू सेम सेटिंग्स भी मिलती है, जिसमें आप एंड्रॉयड का वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि आपके एंड्रॉयड में कौन सा वर्जन है, और आप अपडेट भी चेक कर सकते हैं। आपको एक मेन्यू का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है जो एंड्रॉयड ने आपको इंस्टॉल करके दी है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ विडजेट्स भी मिलती हैं जिसे आप अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अपने माउस के स्क्रॉल को घुमाइए और आप यहाँ काफी सारे विडजेट्स हैं जिन्हें चूज कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन पर ड्रैग करके लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको प्ले स्टोर भी मिलता है जिसमें आप कोई भी चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना गूगल अकाउंट साइन कीजिए, उसे सारी टर्म्स को एग्री कीजिए। और जैसे आप सारी टर्म्स को एग्री कर देंगे आपका गूगल प्ले खुल जाएगा। खुलने के बाद आप यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, हाइक, स्नैपचैट, कुछ भी जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्लैश ऑफ क्लैन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्लैश ऑफ क्लैन सर्च करना है। सर्च कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसे इंस्टॉल होने दीजिए। सबसे पहले वो होगा डाउनलोड, उसके बाद वो होगा इंस्टॉल। ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर आप अपनी होम स्क्रीन पर आकर या फिर मेन्यू में जाकर उस गेम या फिर उस एप्लीकेशन को खेल सकते हैं। तो ये देखिए, ये है क्लैश ऑफ क्लैन। ये बिल्कुल स्मूथ और फाइन चल रहा है कंप्यूटर में, जो कि एक एंड्रॉयड का गेम है। और आप ऐसे ही किसी भी एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को इस कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं, चाहे वो ऐप हो या फिर गेम हो या कुछ भी। ऐसा करके आप एंड्रॉयड की चीजों को अपने कंप्यूटर के अंदर बड़ी स्मूथली बिना किसी लैग के चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।